आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। गरौठा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह दीपक यादव द्वारा 7 दिवसीय श्री राम कथा का समापन हुआ, जहां पर श्री प्रेम भूषण जी महाराज के मुखारविंद से 7 दिवस राम कथा का रसपान गरौठा विधानसभा क्षेत्र की जनता को कराया गया। इस मौके पर श्री राम कथा के आयोजक पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह दीपक यादव ने गरौठा क्षेत्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का अपना आशीर्वाद प्रदान किया, मैं आपका भी जीवन भर आभारी हूँ। अपने साथी सहयोगियों का भी हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को मेरी माँ की पूर्ण स्मृति नहीं मानकर अपने परिवार का कार्यक्रम मानकर गांव से लोगों को लाने ले जाने का प्रबंधन किया और बड़े सहयोगी के रूप में आपने हमारी मदद की है, हम आपके भी जीवन भर आभारी और ऋणी हैं। मैं इस मौके पर एक बात जरूर और स्पष्ट करना चाहता हूं जो लोगों के थोड़े से मनों में है। पिछले हम लोगों ने जब भी आयोजन किया, कथा आयोजन हुआ, उसके हम लोग सामूहिक विवाह यज्ञ भी करते रहे हैं और भगवान ने ये सौभाग्य जीवन से जोड़ दिया कि 1000 से अधिक बहनों का कन्यादान हो गया और हमारी कुछ बहनों का कन्यादान करने में सफल हुए, आशीर्वाद उनका जोड़ा हम सब पर और आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन इस बार के आयोजन में हम लोग शादियों के कार्यक्रम को नहीं जोड़ पाए हैं। इस कार्यक्रम से जोड़ने के पीछे की वजह भी हमने अपने बीच में, अपने साथियों के बीच में, आपके बीच में भी रखता रहा हूं कि शादियों की ये परंपरा हम लोगों ने इसलिए बनाई थी कि हमारे घर में, किसी के घर में भी बहन बेटी हो, हर बहन बेटी का सपना होता मेरे माँ बाप मेरी शादी अच्छी करें। पिता माता पिता कमजोर हो तब भी बेटी का सपना बहुत बड़ा रहता है, बहन का सपना बहुत बड़ा होता है और ये जीवन का सबसे बड़ा सपना है कि हमारे घर हमारा बहुत अच्छा हो, हमारी शादी अच्छी हो। लेकिन जो सामाजिक हमारे परिवार हैं, गरीबी परेशानी के कारण जो मैंने महसूस किया, जब वही बेटी वही बहन ये देखती है कि माँ बाप के पास तो कुछ है नहीं, पिता कर्ज में डूबे हैं, भाई के पास काम नहीं है, खेती ठीक नहीं हो रही है, तो वो अपने सपने को मारकर भगवान से यही प्रार्थना करती है कि भगवान हमारी शादी कैसी हो जाए पर मेरे माँ बाप अच्छे रहे। ये सच्चाई है और इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की कि उस बहन की शादी अच्छी से करें, कोशिश की अच्छा कार्यक्रम हो, इंतजाम अच्छा हो और खाने पीने के इंतजाम को महाराज श्री ऐसा डर के हम लोग किए कि चाहे 10-20 हजार आदमी का खाना बचा रह जाए पर कोई ऐसा ना कहे हमारी बहन जब विदा होकर जाए तो कोई ये ना कहे कि खाने का इंतजाम, एक रिश्ता होना। और मैं कह सकता हूं कि यही कथा का आशीर्वाद, बहनों का आशीर्वाद जोड़ा जीवन में, हम लोग गांव से निकलकर एक मुकाम तक पहुंचे, आज भी कोशिश करते हैं। भगवान का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं जो हमारे आराध्य हैं जिनकी कृपा से जीवन है और माँ की स्मृति में आयोजन था, जिस माँ के वजह से हमारा अस्तित्व है आज, उनके नाम का आयोजन हो जिसकी वजह से हम दुनिया में आए, इसको कैसे और अच्छे से अच्छा बना दें, कैसे ऐसे महापुरुष ऐसे संत को आपके बीच में बुला दें जिनके आशीर्वाद से हम सबका जीवन, आप सबका जीवन भी धन्य और सफल हो जाए। और ऐसे ही हम एक एक कड़ी जोड़कर कोशिश किए हैं, जब हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि अगर कथा किसकी कराई जाए, भगवान की इस कथा को सरल ढंग से, इस ढंग से कि हमारे दिल और दिमाग में आशीर्वाद के रूप में जुड़ जाए। वक्ता बहुत सारे हमारे जीवन से भी जुड़े हैं पर मैं इस मंच से कह सकता हूं जिस सरलता के साथ, जिस स्वभाव के साथ, जिस तन्मय कथा के साथ भगवान की कथा महाराज से सुनाते हैं आप, ये आप में अद्भुत है, अपने आप में अनोखी है, अपने आप विवाद है। भगवान आपके सुरूवत से सुनने वाले शब्द मंत्र बनकर लोगों के जीवन में
उनकी सफलता की वजह बनते हैं। भगवान की एक कथा का यही सार है, यही हमारे आस्थाओं का सवाल है। मैं कहता हूं कि आप इन सब चीजों से जुड़कर जो मेरे जीवन का परिचय है, मेरी जीवन की जगह और मंजिल है, मैं कहता हूं उस मंजिल के पीछे, उस जगह पहुंचने के पीछे भगवान की इस महान गाथा का आशीर्वाद, भगवान की कृपा आशीर्वाद और माताओं बहनों का आशीर्वाद, हमारे माता पिता का आशीर्वाद से लेकर आप सबकी दुआएं हैं, जिसकी वजह से हम लोग इस मुकाम पर खड़े हैं। जीवन के जिस मुकाम पर भी पहुंचेंगे, कोशिश करेंगे आपका मान सम्मान कैसे बढ़ाएं, आपके लिए कुछ कर सकें। राजनीति के विषय में भी मैंने आज इस कथा के मार्फत कभी कोई राजनीतिक बात नहीं करी। मैं महाराज श्री को साक्षी मानकर आपसे बात कहता हूं, मैं राजनीति तब तक करूंगा जब तक मेरी राजनीति से गरीबों को फायदा हो, लोगों का हित कर सकूं, तब तक मैं राजनीति में हूं। जैसे ही मैं ये महसूस करूंगा कि राजनीति मेरा इस्तेमाल कर रही है, मैं लोगों का काम नहीं कर सकता, एक मिनट भी राजनीति में नहीं रहूंगा। आपकी सेवा के लिए मेरा जीवन समर्पित है, जीवन आपके लिए है, क्योंकि आपकी दुआओं ने हमें बनाया है। हमेशा मैं कोशिश करूंगा आपके परिवार का हिस्सा बन सकूं। मैंने अपने सहयोगियों से भी कहा, हमारे इस कॉलेज की हमारी अपने परिवार के लोगों को बुलाए, अभी भी सब वर्कर बन के काम कर रहे हैं, इस परिवार का हिस्सा बने, इस ये विद्यालय भी माध्यम बने एक नए परिवार बनाने की। भगवान ने ये सहयोग जोड़ा कि लगभग पूरे इस विधानसभा में 7-8 हज़ार बच्चे पढ़ाने का सौभाग्य जीवन में जुड़ गया। मैं आज इस मौके पर अपने माता जी की स्मृति में कुछ बातें और भी जो दिमाग में सजोरे था वो भूले जा रहा था, पर याद आ गई कि हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी विद्यालय इंस्टीट्यूट है, हमारी किसान परिवारों की बेटियां, परिवारों की बहनें पढ़ रही हैं, अगर परिवार में कोई परेशानी है तो कुछ बहनों का बोझ उठाएंगे, उन्हें निःशुल्क पढ़ाएंगे, जिनके माँ बाप नहीं है उनका निःशुल्क जिम्मेदारी उठाएंगे, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हम लोगों ने एक बात और भी बोली जोड़ी थी अपने जीवन से कि हम कुछ लोगों के भरोसे नहीं छोड़ सकते सब, आप हम सबको एक परिवार रूपी समाज बनाना है। अगर गांव में आप सब हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करके इस बात को जोड़ना चाहता हूं, आज गरीबी के कारण हमारे घर में अगर बेटी पैदा हो जाए तो मातम सा माहौल है, जो बेटी लक्ष्मी का स्वरूप है, जो बेटी सरस्वती माँ का स्वरूप है, जो शक्ति की देवी माँ दुर्गा का स्वरूप है, उस स्वरूप को देखकर हमारे मन में अगर घृणा हो रही है कैसे हम अच्छा समाज बनाएंगे। मैं चाहता हूं हम सब लोग ये मन से भ्रम तोड़ने का एक रास्ता बना सकते हैं, और रास्ता ये है कि हमारे गांव में किसी भी परिवार की किसी भी जाति धर्म को मानने वाले की बेटी बड़ी हो रही है, उसकी शादी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, सब मिलकर उसकी शादी की जिम्मेदारी उठा लो। मैं भी आपसे जुड़कर कहता हूं, जो आप आदेश करोगे सब मिलकर सहयोग करेंगे, उतना ही सहयोग हम भी करेंगे, अपने गांव की हर बेटी को अच्छे घर में विदा करेंगे। ये कोशिश हम जीवन में जोड़ लें, एक कोशिश हम अपने जीवन में जोड़ लें कि हमारे गांव में कोई बीमार है, गरीबी कारण, परेशानी के कारण इलाज का इंतजाम नहीं है, आओ हम सब मिलकर अपने गांव के उस व्यक्ति की जान को बचाने की कोशिश का हिस्सा बने। आप सब भी कोशिश कर लो, कुछ कोशिश हम भी करेंगे, कोशिश करेंगे हमारे किसी परिवार के व्यक्ति की जान ना चली जाए। ऐसे ही समाज को बढ़ाने के लिए पढ़ाई की जिम्मेदारी है, अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, हम कहते हैं कि अगर हमारे माँ बाप, हमारे ताऊ जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, हमारे माता पिता को जिम्मेदारी मिली बच्चों को पढ़ाने की, हम सब लोग 6 भाई डॉक्टर साहब से लेके सारे लोग, हम लोग एक साथ 4 बहनें, हमारे बुआ के बेटे डॉक्टर साहब, वो भी हम लोग करीब 10-12 लोग थे, 10-12 लोगों को पढ़ाने के लिए क्राइस्ट जगह भेजा, गांव से निकालकर सबको पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल में इंतजाम किए। अगर वो हमें स्कूल नहीं भेजते तो हो सकता कि शायद हम भी आपकी तरह दर्शक बनकर फिर गांव में काम कर रहे होते और आपके बीच में बैठे होते, कोई और यहाँ बोल रहा होता। आपको इसलिए इस अवसर को छोड़ना नहीं है, आपको भी अपने बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना है। कल कौन से परिवार का बेटा दीपक यादव बनकर खड़ा होगा ये तो समय तय करेगा, लेकिन पढ़ाने की कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, उसको पढ़ाने की कोशिश का हिस्सा तो आपको बनाना पड़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपने इन 9 दिनों में काफी सहयोग, आप सब से भी हम कहना चाहते हैं कि आपने यहाँ उपस्थिति दर्ज कराकर हमारा मनोबल बढ़ाया है,
हमारी हिम्मत बढ़ाई है, जीवन में किसी मोड़ पर आपके किसी काम आ सकूं, अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। जय भगवान जी। एक लगातार आपकी खबरों के साथ आपकी दमदार खबरों को उठाता है, इसलिए आपकी जन अदालत न्यूज के वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए और चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए, क्योंकि जब तक आप घंटी नहीं दबाएंगे तब तक नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए आप सब्सक्राइब बटन पर रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।